कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के बावनगंज पंचायत एवं गांव की आबादी लगभग 13,000 है और यहां से PHC स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 12 किलोमीटर है, जबकि सरकार की प्रावधान है कि स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत हर एक 5,000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का होना अनिवार्य है, पर यहां 13,000 की आबादी रहने के बावजूद भी कोई स्वास्थ्य साधन नहीं है। इस तरह तो इन समुदायों का जीना जीने का अधिकार का हनन हो रहा है। समस्या बहुत समस्या है कि मतलब अस्पताल नहीं बनने के कारण कि महिला लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, न गाड़ी चलता है, न कुछ इमरजेंसी कोटा के लिए कुछ सहारा नहीं। यहाँ प्रसव के लिए जो भी महिला के साथ समस्या आता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है? इसलिए कि 12 किलोमीटर है और ज़्यादा दूरी के कारण एम्बुलेंस को अगर फोन किया जाता है तो एम्बुलेंस को आने में यहाँ कम से कम जिस समय हम फोन करते हैं उस समय से अगर चले तो भी 1 घंटा लगता है अप डाउन करने में, लेकिन वैसा सुविधा है नहीं। हम एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं वो भी समय लेता है, कहीं गए कहीं चला जाता है। कोढ़ा में एक ही एम्बुलेंस है जिसके कारण प्रसव महिला को बहुत पीड़ा होता है, पीड़ा के कारण जो है बहुत सारी महिला प्रसव के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। यह जो है कोढ़ा प्रखंड जो है हरिजन क्षेत्र है और जिसको महादलित हम लोग कहते हैं, महादलित का संख्या अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या है, आधे से बेसी संख्या है महादलित का। अभी दम तो हम लोग नहीं दिए हैं सर, बाकी यही है कि आंख से देख रहा है तू लोग को बहुत मतलब देखने के बाद जो है ना कर नहीं पाता। हम चाहते कि स्वास्थ्य केंद्र बने, इससे यहाँ के जनजीवन को बहुत लाभ होगा। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि जल्द से जल्द बावनगंज गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शक गण से अपील करती हूं कि यहां का स्वास्थ्य चिकित्सक पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 94-7033-77। इस नंबर पर कॉल कर इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं नविता, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।